Hello friends, welcome to the Logic of the Programming World. This is Pradeep here and today we are going to learn a new pattern. आज जो हम pattern देखने वाले हैं guys, ये pattern हर एक company में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, मतलब it's most frequently asked pattern in each and every MNC company. मतलब 10 बार अगर कोई pattern पूछा गया है तो उसमें से कम 6 या 7 बार ये pattern आपको पूछा जाता है. तो अगर आपको pattern अच्छा करना है या फिर company में pattern के ऊपर अगर कोई code आया है तो आपको लगता है कि आप उसमें master हो या फिर मास्टर की करना चाहते हो या उस कंपनी में जॉब वहाँ पे आपको मिलने के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो ये पैटर्न आपको करना जरूरी है. तो कौन सा वाला पैटर्न है, लेट्स स्टार्ट. तो ये आपका नंबर पैटर्न है. नंबर पैटर्न में फर्स्ट रो में आपका वन है, सेकंड रो में आपका वन एंड टू है और थर्ड रो में वन टू थ्री है. अगर आपने इसको टेक्निकल देखा जाए तो ये आपका होगा लेफ्ट ट्राइंगल वाला रहेगा, जो हमने फर्स्ट वाले पैटर्न के सीरीज में सबसे पहला वाला कोड किया था उसमें हमने इसको कवर किया है. बट वहाँ पे आपने स्टार पुट किया था और यहाँ पे आपके नंबर्स हैं, तो सिर्फ स्टार की जगह पे आपको नंबर प्रिंट होना चाहिए, इतना ही कोड आपको इम्पोर्टेंट है. बट वहाँ पर भी लॉजिक ऐसा है कि नंबर कौन से सिक्वेंस में या फिर कौन से ऑर्डर में आपको वहाँ पे प्रिंट होने चाहिए. तो गाइस मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि मेरा फर्स्ट वाला जो #1 वाला वीडियो है आप उसको पहले देख के रखो, क्योंकि उसमें मैंने हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट कवर किया है विथ टेबल डेटा एंड द लॉजिक ऑफ द फॉर लूप. सी स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहले रहेगा आपका ये नंबर ऑफ रोज, तो एज सिमिलर हमने यहाँ पे तीन ही रोज लिए हैं तो यहाँ पे रोज रहेंगे आपके. लेट से अगर मैंने यहाँ पे वन कंसिडर किया, टू एंड थ्री. इसके बाद देखो नंबर ऑफ कॉलम में अगर हमने पुट किया तो नंबर ऑफ फर्स्ट रहेगा कॉलम वन, सेकेंड कॉलम यहाँ पे टू है और यहाँ पे थर्ड कॉलम होगा. तो अगर मैंने यहाँ पे रो के लिए आर कंसिडर किया है या फिर यहाँ पे हमने आई वेरिएबल कंसिडर किया है और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हमने जे कंसिडर किया है, तो आई और जे को हमें क्या करना है, यहाँ पे इटरेट करना है सिमिलरली. तो सबसे पहले इसका अगर हमने टेबल बनाया है तो टेबल में हम एज यूजुअल सिर्फ क्या करने वाले, यहाँ पे डिज़ाइन करके रखेंगे. डिज़ाइन इन सेंस कि फिर हर एक आई की वैल्यू वन से स्टार्ट हो रही है या टू से स्टार्ट हो रही है, सेम जे का आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और जे का आपका एंड पॉइंट रहेगा. तो मैं सिमिलरली डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ कि फर्स्ट रो के लिए पहला ये जो भी नंबर आपका पैटर्न होगा या कोई भी आपका प्रिंट हो रहा है यहाँ पे कंटेंट, इसको मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ वन, क्योंकि यहाँ पे आपका वन स्टार्ट हो रहा है. सेकेंड पे देखो यहाँ पे जे यहाँ पे फर्स्ट रो के लिए वन से स्टार्ट हुआ था और एंड भी आपका वन पे हो रहा है, तो यहाँ पे एज इट इज मैं वन लिख रहा हूँ. सिमिलरली टू के लिए देखो वन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे टू पे आके वहाँ पे एंड हो रहा है. थर्ड रो के लिए यहाँ पे वन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे थर्ड पे आके रुक रहा है. तो इस पैटर्न के हिसाब से या फिर इस टेबल के हिसाब से अगर हमने इसको कोड में कन्वर्ट किया है तो कोड होना चाहिए आपका यहाँ पे फॉर फर्स्ट आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वन, आई लेस देन इक्वल टू थ्री एंड आई प्लस प्लस. अगेन इसके अंदर अपना नेस्टेड फॉर रहेगा दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द जे एज वन और जे इज लेस देन इक्वल टू. यहाँ पे हमने लिखा था पिछले समय पे आई, अब यहाँ पे आई क्यों आना चाहिए, यहाँ पे नंबर आपका टू वन थ्री हम यहाँ पे क्यों नहीं पुट कर रहे, इसकी जगह पे आई की वैल्यू हमें क्यों यूज़ करना है या फिर आई में कौन सी वैल्यू अपडेट हो रही है, तो इसके लिए हमने प्रीवियस वाले #1 वीडियो में सारी चीज़ें कवर की. आई होप गाइस अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको ये वाला कोड आपको अच्छे से समझ में आएगा. नेक्स्ट अब ये होगा आपका डिज़ाइन. सो लेट्स से यहाँ पे SOP मैं यहाँ पे न्यू लाइन करके रखता हूँ और यहाँ पे स्टार. अब यहाँ पे मेन फॉर लूप के नेस्टेड फॉर लूप के अंदर हमें जो प्रिंट करना है कंटेंट, तो कंटेंट प्रिंट ऐसा होना चाहिए कि पहले रो में वन एक ही बार प्रिंट हो रहा है, सेकेंड रो में वन एंड टू है. तो इसका अगर हमने ड्राई रन किया तो यहाँ पे देखो सबसे पहले फॉर आपका स्टार्ट होगा आई विल बी इनिशलाइज एज वन, सो वन इज लेस देन इक्वल टू थ्री कंडीशन ट्रू हो रही है, फिर अंदर आएगा फिर जे विल बी इनिशलाइज बाय वन एंड जे दैट लेस देन इक्वल टू आई, इट मीन्स जे की वैल्यू वन है, वन इज लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू भी यहाँ पे वन ही लिखी है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी. फिर अंदर आएगा नाउ, अब यहाँ पे अगर हमने गलती से आई को प्रिंट किया होगा तो क्या होगा, फिलहाल के लिए इस कंडीशन में आपका आई वन प्रिंट हो जाएगा राइट है, बट सेकेंड टाइम पे फिर से क्या होने वाला है, यहाँ पे आई प्रिंट हो जाएगा. नाउ प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे देखो आई और जे दोनों में से कौन सा वेरिएबल हमें यहाँ पे यूज़ करना है, तो यहाँ पे सिंपल एक ट्रिक है गाइस
ट्रिक ये बताता हूँ कि जब भी आपका डेटा यहाँ पे रो वाइज अगर आपका अपडेट हो रहा है, अगर रो वाइज आपका डेटा अपडेट हो रहा है तो आप हमेशा रो कॉलम जो रो के लिए जो आपने इंडेक्स यूज़ किया है उसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अगर आपका डेटा यहाँ पे कॉलम वाइज अपडेट हो रहा है, लेट्स से कि वन के बाद में टू आ रहा है, टू के बाद में वन आ रहा है, देन आपको यहाँ पे कॉलम इंडेक्स को फॉलो करना है। तो एज पर दिस ट्रिक अगर आपका डेटा यहाँ पे आपने देखा कि डेटा आपका देखो रो की जगह पे कॉलम में डेटा अपडेट हो रहा है, कैसे हो रहा है देखो यहाँ पे, लेट्स से अगर मैंने लास्ट रो कंसिडर किया, ठीक है, एक फॉर एग्जाम्पल, तो वन के बाद में टू पे आ रहा है, टू के बाद में थ्री पे आ रहा है, राइट है। सिमिलरली सेकेंड रो पे भी देखो वन के बाद में टू पे डेटा जा रहा है, मतलब हर एक रो में डेटा आपका कॉलम वाइज वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है या फिर अपडेट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, कॉलम इंडेक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ जे। नाउ जे पुट करने के बाद सबसे पहले देखो यहाँ पे जे हमने इनिशलाइज किया है वन पे, सो जे विल बी वन एज इट इज। लेट मी क्लियर दिस। सो आई की वैल्यू आपकी वन थी, नाउ यहाँ पे जे की वैल्यू आपकी यहाँ पे वन है। तो यहाँ पे एसओपी में हमने जे को प्रिंट किया है, लेट्स कंसिडर यहाँ पे जे प्रिंट होगा दैट इज वन, ठीक है। नाउ जे विल बी अपडेटेड, सो जे विल बिकम टू, सो अगेन कंडीशन चेक होगी जे दैट इज टू इज लेस देन इक्वल टू आई दैट इज वन, ऑब्वियसली ये कंडीशन आपकी फॉल्स होने वाली है, इसलिए ये आपका टर्मिनेट होगा। नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे पॉइंट होगा दैट इज एसओपी, मतलब यहाँ पे आपका कर्सर अभी पॉइंट होने के लिए आया है। सेम यहाँ पे आउटर का फॉर लूप आएगा तो आई आपका अपडेट होगा, सो आई विल बिकम टू हेयर। अगेन सिमिलरली टू इज लेस देन इक्वल टू थ्री, ये आउटर फॉर लूप की कंडीशन चेक होगी, उसके बाद ही आपका कोड अंदर आएगा। अब कोड अंदर आने के बाद फिर से देखो फॉर आपका इनिशलाइज होगा, फॉर में लिखा है हमने जे, जे एज फ्रेश इनिशलाइज बाय वन, एंड वन जे की वैल्यू वन है, सो वन इज लेस देन इक्वल टू आई। नाउ आई की वैल्यू कितनी है, टू, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, आई की वैल्यू टू, सो वन इज लेस देन इक्वल टू टू, कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होने के बाद फिर अंदर आएगा, फिर यहाँ पे जे की वैल्यू देखो क्या है, वन है, तो इस जहाँ पे हमने कर्सर को पॉइंट किया था वहाँ पे आपका फिर से वन आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जे अपडेट होगा, सो जे विल बिकम टू नाउ, सो टू के लिए फिर कंडीशन चेक होगी, टू दैट इज लेस देन इक्वल टू टू, यस कंडीशन ट्रू होगी, तो वन के बाद में यहाँ पे टू प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली फिर यहाँ पे जे वैल्यू थ्री होगी, सो थ्री इज लेस देन इक्वल टू टू, यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। तो गाइज इस तरह से आपका यहाँ पे वन के बाद में टू आया है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, नेक्स्ट लाइन पे आई की वैल्यू थ्री होगी, तो फिर यहाँ पे ये जे के ऑपरेंस से वन टू थ्री पे जाएंगे, सो यहाँ पे वन टू एंड थ्री होगा। आई होप गाइज यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज। एंड सिमिलरली ये जो हमने पैटर्न का टेबल का फॉर्म किया है उसके हिसाब से जो हमने यहाँ पे फॉर लूप को जनरेट किया है, ये ट्रिक आपने याद रखी होगी, तो आप कौन सा भी पैटर्न इस फॉर्म में आप जनरेट कर सकते हो। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा है या फिर लॉजिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको वहाँ पे मेंशन करो। आपके पास और इस तरह से कोई भी पैटर्न है या कोई भी लॉजिकल का प्रोग्राम है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है या फिर जो कोड आपके पास है वो कोड समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका कोई इजीएस्ट सोल्यूशन होगा तो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि आपको उसको और अच्छे से और सिंपल वे में उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय।